कुछ कहना है अम्मा? बिना बोले कहिए। फोन हमारी समझ में नहीं आ रहा अम्मा। बाबूजी, वो अम्मा कहना चाह रही हैं कि कल रात को विशाखा के घर से फोन था। किनका? देव बाबू का? जी। क्या कह रहे थे? जी, वो और विशाखा कुछ ही दिनों में विदेश जाने वाले हैं। मैं आपको कल रात को बताना भूल गई थी। वो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अचानक देव बाबू ने विदेश जाने का विचार कर लिया। बिटिया इतनी दूर चली जाएगी जी। देवकी जी, वो यदि आपकी बेटी है तो किसी की पत्नी भी है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नहीं महु जीब बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करही कृपा भानुकुल नाथा। अर्थात विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं वहां वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूरकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? बेटा। जी बाबूजी। विशाखा का दोबारा फोन आया था क्या? नहीं, हम कर लें। बेटी के ससुराल बार बार फोन करना उचित नहीं। कल हमारी उससे बात कहाँ हो पाई थी, तो हम आज फोन कर लेते हैं। बिटिया विदेश जा रही है, पता नहीं कब निकल ले, फिर मिलना हो भी या नहीं। सो तो ठीक है देवकी जी, परंतु अच्छा नहीं लगता। तनिक देखना बेटी। नहीं, तू रहने दे, मैं देखती हूँ, तू अपना काम कर। जी उठा रहे हैं अम्मा जी, पूजा घर में थे। हेलो माँ। विशाखा बिटिया, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, हम अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। तो फिर फोन क्यों नहीं किया आपने? मैं तो चाह रही थी बिटिया, पर तेरे बाबूजी ने कहा कि तू अपनी सुविधा के अनुसार फोन कर लेगी। तैयारियां चल रही होंगी ना, विदेश जाना है? मुझे नहीं जाना विदेश, नहीं जाना मुझे। ये क्या कह रही है बिटिया? हाँ माँ, मैं अमरीका शमरीका नहीं जाना चाहती, यही रहना चाहती हूँ इसी देश में। हर देश तो किसी की सुन ही नहीं रहे माँ, बस ठान के बैठ गए। अच्छा अच्छा शांत हो जा, रो मत। दीदी। क्या हुआ नंदू, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, पर आप ठीक नहीं हो। ये तू क्या कह रहा है? आप वो वाली राधिका दीदी नहीं हो जो मेरे साथ खेला करती थी? आपकी दीदी नहीं खेलती तो क्या हुआ, हम खेलेंगे। अपनी दीदी को परेशान मत करो, चलो हम दोनों खेलते हैं। आपको आता है? खेलना तो नहीं आता, आप सिखा देना। आपका नाम क्या है? नंदू। आपका क्या है? केशव। आप खेले? हाँ।
आपको तो खेलना ही नहीं आता। आप सिखा दो। ये भी नहीं आता। दीदी से पूछता हूँ। दीदी आप नहीं खेलते तो कम से कम केशव भैया को तो सिखा दो। दीदी चलो ना। चल। तुम वहां जाकर बैठो। जाती हूँ। सुनिए जी, वो मैं सुनिए जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं इस तरह जबरदस्ती आपको रोकना नहीं चाहता था। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा जी। देखिए मैं यहाँ नया हूँ, ज्यादा किसी को जानता नहीं। सिर्फ आप ही हैं जिसके पास रहना और जिसके साथ समय व्यतीत करना मुझे अच्छा लगने लगा है। क्या आप मुझे अपना दोस्त बना सकती हैं? जी मुझे आपसे सिर्फ आपकी दोस्ती चाहिए और कुछ नहीं। मेरी और विशाखा की फ्लाइट टिकट आ गई। 4 दिन बाद हमारी फ्लाइट। मुझे उम्मीद है कि परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय का सम्मान करेंगे और इसे मानेंगे। एक निर्णय मैंने भी किया है। मैंने अभिषेक संस्कार कराने का निर्णय लिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें परिवार का बेटा राजपुरोहित की गद्दी संभालता है। इस अभिषेक संस्कार में मैंने यह गद्दी और इस गद्दी से जुड़े कर्तव्यों का दायित्व आहरण शक्ति और ट्रस्ट से जुड़े सभी मामलों का अधिकार अर्जुन को देने का निर्णय लिया है। एक बार भी देव को रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि आप जानते हैं कि अगर आप एक बार बोलते तो देव जरूर रुक जाता। लेकिन नहीं, बिना सोचे समझे एक निर्णय उसने ले लिया और एक आप थे। देव ने बिना सोचे समझे निर्णय लिया है, पर हमने नहीं वैशाली कुछ
सीखने की ललक है अर्जुन, खुद को लायक साबित करना चाहता है वो। तो आखिर बाबूजी हमने खुद को लायक साबित कर ही दिया। तुम अपने आप को लायक साबित कर पाए क्योंकि भाई साहब के दोनों बेटे नालायक साबित हो गए। अभी कम एक तो जो है वो तो चक्के पे चलता है और दूसरा जो है उसका पैर में ही चक्का बना है, रुकना ही नहीं चाहता। देव रुकना नहीं चाहता है और विवेक काम संभालने लायक नहीं है और ये दायित्व तो घर में ही किसी न किसी को सौंपना था। जिस तरह से अर्जुन मन लगाकर काम कर रहा है उसे देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये ट्रस्ट उसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। अब ये ट्रस्ट हमारे हाथों में होगा। हेलो, राधे राधे पुरोहित जी। राधे राधे शास्त्री जी, क्षमा कीजिएगा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो तो हमने सुना कि देव बाबू और विशाखा विदेश जा रहे हैं। तो हाँ शास्त्री, वैसे तो उनके विदेश जाने का समाचार मुझे स्वयं देना चाहिए था, पर जी जाना बहुत आवश्यक है क्या? ये बात हम कैसे बता सकते हैं? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अचानक बेटी हमसे इतनी दूर हो जाएगी, हमने तो सोचा भी नहीं था पुरोहित जी। ये सोचा तो हमने भी नहीं था शास्त्री जी, पर क्या करें, देव 4 साल तक विदेश में ही रहा है, उसका करियर, उसकी प्रगति, उसकी खुशी, शायद सब कुछ वहीं विदेश में लिखा है। अगर एक क्षण के लिए भी हमें ऐसा लगता कि देव का भला हमारे साथ यहां रहने में है तो हम उसे जरूर रोकते शास्त्री जी। आप सही कह रहे हैं पुरोहित जी, यदि देव बाबू की उन्नति विदेश जाने में ही है तो हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। शास्त्री जी, परसों हम यहां दिल्ली में अभिषेक संस्कार करने जा रहे हैं जिसमें अर्जुन को अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है कि अगर आप भी सपरिवार आएंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी, छोटी बहू से मुलाकात भी हो जाएगी और आप उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने भी जा सकते हैं। आखिर तुमने उन्हें मुझसे दूर भेज ही दिया ना काना, बस 3 दिन और। पर मैं ये सुनकर दुखी क्यों हो रही हूं, मैं खुद ही तो चाहती थी कि वो मुझे भूल जाए और विशाखा को अपना ले। मुझे दूर करने के लिए तुम उन्हें उनके अपनों से दूर क्यों कर रहे हो काना? मैं तुम्हारी लीला नहीं समझ सकती काना, नहीं समझ सकती। अगर पत्नी अपने पति के बाह में ये बांध दे तो उनका प्यार दुगना हो जाता, उनका बंधन अटूट हो जाता। ये धागा तो विशाखा और उनके बीच में प्यार बढ़ाने के लिए था ना, और ये मैं अभी तक उन्हें दे भी नहीं पाई। अब जब वो दोनों विदेश जा रहे हैं सबसे दूर, तब तो ये धागा उन्हें देना और भी जरूरी है, क्योंकि वहां तो एक दूसरे का प्यार ही उनका सहारा बनेगा। बाबूजी, आपसे एक निवेदन है। हाँ हाँ, कहो बेटा। वो विशाखा के पगफेरों के समय मैं मथुरा वाले मंदिर गई थी, वहाँ पंडित काका ने मुझे ये धागा दिया और कहा अगर विशाखा ये अपने पति की बाह में बांधेगी तो उन दोनों का प्रेम और दुगना हो जाएगा। आप ये अपने साथ ले जाइएगा और विशाखा को दे दीजिएगा। तुम्हें कितनी चिंता रहती है अपनी बहन की, पर ये धागा मैं लेकर नहीं जाऊंगा। क्योंकि ये धागा तुम स्वयं अपने हाथों से दोगी उन्हें।
बाबूजी। बेटा तू दामाद बाबू से मिली भी नहीं और अब तो वो विदेश चले जाएंगे, इस कारण तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लैला, तू क्या कह रहा है लैला? ये छोरी ना ही जा सकत है। कितनी सहजता से आपने अपना मौन व्रत तोड़ दिया, केवल इस कारण कि राधिका विशाखा और देव बाबू से मिल ना पाए। ये कर्म जल्दी के होते हुए मोरा व्रत उपवास कुछ हो भी हो ना सकत है। पूरा घर भ्रष्ट कर दिया है इसी परचाई ने। बस कीजिए अम्मा। हमें जो कहना था हमने कह दिया, राधिका हमारे साथ दिल्ली जाएगी, विशाखा और देव बाबू को छोड़ने भी जाएगी। था कि हम कभी दोबारा मिल ही नहीं पाएंगे। मुझे भी, पर लगता है शायद हमारी तकदीर में कुछ और ही लिखा। वो चाहती थी कि विदेश जाने से पहले मैं एक बार तुम्हें आखिरी अलविदा कह दूं। पर आप क्यों जा रहे हैं? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? जब तुम मुझे कह ही चुकी हो कि तुम मेरा साथ दे ही नहीं सकती, और जब मैं ये जान चुका हूं कि तुम मेरी कभी हो ही नहीं सकती, तो मेरे पास यहां रुक जाने की कोई वजह रह ही नहीं जाती। काश मैं आपको रोक पाती। तुम अब भी रोक सकती हो। सच? क्या इतना अधिकार है मुझे? ये अधिकार तो मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए देना चाहता था, मुझे रोकने का, मेरे साथ चलने का, मुझसे रूठने का, मुझे मनाने का। रुक जाइए, मत जाइए ना। सच? क्या तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? तुम्हें मेरी फिक्र है, प्यार करती हो ना मुझसे? आप सोई नहीं अभी तक? कैसे नींद आ सकती है मुझे ये जानते हुए कि मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना आपने खुद ने कर लिया है। एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपका फैसला मानने से इनकार करती हूँ। आज तक मैं अपने फैसले खुद करती आई हूँ और आज के बाद भी मैं अपने फैसले खुद करूंगी। मैंने तय कर लिया है कि मैं अमेरिका
नहीं जाऊंगी। जाइए। ये आप क्या कर रही हैं? देखिए, मेरी बात पूरी तरह अच्छे से सुन लीजिए। अगर आप ये टिकट्स फाड़ देंगी तो आप अपने हाथों बहुत बड़ा मौका गवा देंगी। मौका? कैसा मौका? ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि आप अपने परिवार से झूठ बोल रही हैं और मैं अपने परिवार से झूठ बोल रहा हूँ, सिर्फ उनकी खुशी के लिए। सब एक नाटक है। मैं जानता हूं कि तुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन ये ही सच है। और मुझ में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि मैं ये सच सबके सामने ला पाऊं, इसलिए तो ये दिखावा कर रहा हूं। हमसे भी मैं जानता हूं बिरजू, तो मुझे तुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन तब मेरे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। सिर्फ इतना समझ में आ रहा था कि मॉम डैड और दादी माँ खुश रहना चाहिए। वो तो है देव भैया, पर अब उनसे भी क्या कहता हूं मैं, तो मेरी ड्रीम गर्ल मुझसे प्यार ही नहीं करती और उसकी शादी किसी और के साथ होगी। बिरजू, मेरे लिए दादी माँ की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती, और तूने ही तो उन्हें बताने से मना किया था। पर देव भैया, हमने तो ये भी कहा था कि भौजी को अपना लीजिए। आखिर ये नाटक कितने दिनों तक चलेगा? आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा। इसीलिए तो मैं यहां से चले जाना चाहता हूं, बहुत दूर, ताकि वहां पहुंचने के बाद वो ही हमसे पति पत्नी बने रहने की उम्मीद रखें। मुझे माफ कर दे बिरजू, मैं जानता हूं अगर तू मेरी जगह होता तो अपने सबसे अच्छे दोस्त से कभी कुछ नहीं छुपाता, और तूने तो मुझे सब कुछ बताया बिरजू। छुपाया तो हमने है देव भैया, कहां बताया है आपको कि हम आपकी ड्रीम गर्ल से मिल चुके हैं। जब देव भैया को पता चलेगा कि हमने उनसे इतना बड़ा सच छुपाया तो क्या बीतेगी उनके दिल पर? उनका तो हमारी दोस्ती पर से विश्वास ही उठ जाए। 3 तोले से कम का नहीं लेंगे हम। हाँ, कह देते हैं। क्यों जौरी काका, कितना भारी है ये? ये 5 तोले का है बहुरानी। क्या बात है, हम तो यही लेंगे चाची माँ। क्यों नहीं, पसंद है तो ले लो। आओ छोटी बहू, बैठो मेरे पास। कल के संस्कार समारोह में तुम कौन सा सेट पहनना पसंद करोगी? बताओ। जी दादी माँ, आपको जो पसंद हो। बाकी के डिजाइन भी दिखाइए। अरे देख, तू भी हमारी मदद कर छोटी बहू के लिए गहने चुनने में। भाई मुझे तो ये बहुत पसंद है और इस पर जचेगा भी खूब। लेकिन ये सेट तो मैंने पसंद किया था। ये सेट मेरी साड़ी के साथ बहुत अच्छी तरह से मैच करेगा। और वैसे शायद आप लोग भूल रहे हैं कि सेरेमनी में बड़ी बहू का अच्छा लगना भी जरूरी है। मीनाली, ऐसा क्यों कह रही हो तुम?
अरे जीजी, अगर आपको ये सेट पसंद है तो आप रख लीजिए, मैं इनमें से कोई और पसंद कर लूंगी। जी दादी माँ। मैं देख रही हूँ, जब से छोटी बहू आई है तू अपनी इस गर्लफ्रेंड को भूल ही गया है। कहाँ भूला हूँ दादी माँ, आप तो मेरी बेस्ट गर्लफ्रेंड हो। अच्छा? हाँ। बैठ तो। क्यों इस बुढ़िया को बुद्धू बना रहा है? अगर मैं तेरी बेस्ट गर्लफ्रेंड होती ना, तो यूं छोड़ के नहीं जा रहा होता। पता है, तेरा पहले वाला आइडिया बहुत अच्छा था। कौन सा? वही लिव इन वाला। कम से कम तेरे पास हम सबके लिए वक्त तो होता। क्या सोच के मुस्कुरा रहा है यार? दूसरी गर्लफ्रेंड याद आ रही है? कहाँ दादी माँ। वैसे तू ऐसा सोच भी नहीं सकता है ना, क्योंकि तूने जिसे प्यार किया उसी से शादी कर ली। और हम जब किसी से प्यार करते हैं ना, तो उस इंसान की छोटी मोटी गलतियां भी नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि शादी दो इंसानों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन है। और जिस शादी में प्यार नहीं, वो शादी किस काम की? मुझे खुशी है कि तुम दोनों में इतना प्यार है, और भगवान ये प्यार हमेशा हमेशा बरकरार रखे। देव भैया का दर्द उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जल्दी करो लल्ला, जल्दी करो। हाँ। चलो चलो भाई चलो। हाँ। अम्मा चाबी कहाँ? कहाँ लल्ला चाबी, चाबी चलो ना। अरे चाबी दीजिए जरा, खोल के देखना है। अरे पुरोहित परिवार इंतजार करे, जल्दी चलो जल्दी। चलो ना जल्दी, चलो चलो भैया। चाबी है कहाँ? हीरा ला। अरे लल्ला, लल्ला जल्दी आ जाइएगा। कौन है, कौन है वहाँ? जी बाबूजी, मैं राधिका। राधिका, पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।